हाँ, आज कौन सा दिन है? अरे वाह, विश्वास ही नहीं हो रहा, आज क्रिसमस है। मतलब मैं ये हैट पहन सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम कहाँ है? मैं कितनी फेस्टिव लग रही हूँ ना? कमाल है, क्या ये सांता है? हो, तुम दोनों मेरी नाइस लिस्ट में हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। ये पक्का मजाक है ना? ये है क्या? हे भगवान, मुझे यही तो चाहिए था, आज का दिन लकी है। ये है क्रिसमस रूम मेकओवर, ये तो बहुत कूल होगा। चलो इन बॉक्सेस को हटाएं। और ये वॉलपेपर भी हटा देते हैं। मुझे ऐसे काम करने नहीं आते। हे भगवान, मैंने क्या छू लिया? ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हटाना होगा। हे, तुम्हें मेरी नई आउटफिट कैसी लगी? मैं मजाक कर रहा था, ये मेरा स्टाइल नहीं है। हाँ, ये क्या है? हैंडीमैन? हाँ, यही तो मुझे चाहिए। उसे कॉल करती हूँ। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अजीब है, जरा सी मेहनत से कतराती है। ओ, ये बस पेंटिंग है, बहुत ही बदसूरत और अजीब सी पेंटिंग है, पर मेरे पास एक आइडिया है। मैं फ्रेम से पेंटिंग को निकाल दूंगा और फ्रेम को वॉलपेपर पर रखेंगे। अब हमें स्प्रे पेंट चाहिए, मुझे कलर बहुत पसंद है। पता नहीं और कितना समय लगेगा। ओहो, आप ही गए? तो यहाँ क्या है? ये बहुत ही आसान होगा, इसे सजाया किसने था? हाँ, हो गया। तो ये मिलते हैं। मुझे पैसों की खुशबू ही बहुत पसंद है। जल रहे हो? मुझे लगता है मेहनत करनी चाहिए। ये देखो, मैं यहाँ फ्रेम लगा देता हूँ। अब और लगाएंगे, अलग अलग शेप्स और साइजेस इस्तेमाल करेंगे। काफी कूल है ना? वाह, ये तो मॉडर्न आर्ट जैसा लग रहा है। काश मैंने भी ऐसा सोचा होता। एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। हेलो स्टेसी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओ, मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी बेस्टी के लिए कुछ भी करूँगी। मैं स्टार्स पकड़ लेती हूँ, मैं इन्हें गिरा नहीं सकती। स्टेसी को ये बहुत पसंद आएंगे, बस इतने काफी हो। अब डिलीवर करते हैं। कितना जादुई है, एक खास डिलीवरी है। ओ हे, कभी भी बुला लो, बस कॉल कर देना। हम लंच साफ करेंगे। अब मैं इसे दीवार पर टांग देती हूँ, अच्छे लगेंगे। वाह, जरा उसे देखो, कितना खूबसूरत है और चमकदार भी। हर किसी को अपनी जिंदगी में ऐसी ही चमकती हुई चीजें नजर आनी चाहिए। मान लो कि अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत पसंद आया, अभी तक तो सब ठीक है। तो मेरा रूम ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये वाला चलेगा, मैं ही खरीदूंगी। मुझे जरा यहाँ बैठ जाना चाहिए। ओ, बस किसी ने देखा ना हो। बचाओ, मैं फंस गया हूँ। कोई बात नहीं, मैं यही हूँ। मुझे यहाँ से निकालो। रुको, मदद के लिए शुक्रिया। यहाँ ले आओ। हाँ हाँ, आ जाओ, परफेक्ट है। शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे सोफा के लिए ये रहा ब्लैंकेट, ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी है, मैं इसे ट्राई करूंगी। वाह, कितना आरामदायक है। मुझे बैठने के लिए जगह चाहिए और लगता है वो मुझे मिल गई। पहले बॉक्स को अलग अलग शेप में काटेंगे, अब इन्हें साथ में जोड़ेंगे। इन नॉचेस से ये साथ में जुड़ जाएंगे। अब ये शेप में आ रहा है, बस सपोर्ट्स लगाने हैं, इससे ये मजबूत हो जाएगा। इस पर कार्डबोर्ड्स लगाते जाएंगे, इतना काफी है। अब वो क्या कर रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। लो, चेयर बन गई, तुम्हें कैसा लगा? अच्छी लग रही है। अब उन्हें कवर करना होगा और पिलो रख देंगे, काम बन गया। मैं जानती हूँ मैं क्या प्रेफर करूंगी, मेरा वाला है ना? नहीं, मैं लाइट्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर इन्हें कहाँ लगाऊं? उसकी चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं है। हे, तुमने बुलाया, मैं बाकी एल्फ्स को भी लेकर आई हूँ। कैसी हो, क्या चल रहा है? चलो शुरू करें, ये जगह सही रहेगी। आप सबको कैंडी केन्स पसंद है, स्वाद भी अच्छा है और दिखते भी अच्छे हैं। मैं स्टार कैसे भूल गई? देखो कैसे चमक रहा है, मैं बंटिंग लगा देती हूँ। पकड़ लिया मेरा हीरो।
वो ये एल्फ तो बहुत मेहनती है। मैं इनकी सीढ़ियाँ ले लेता हूँ, वो पक्का ये भूलेंगे नहीं, इसे यहाँ रख देता हूँ। अब इस पर लाइट्स लगा देते हैं, बहुत सुंदर दिखेगा। ट्री किसे चाहिए, इसे ऊपर रख देंगे और बोज लगा देंगे। वाह, मेरा खुद का क्रिसमस ट्री बन गया। कुछ आलीशान नहीं है पर है तो फेस्टिव। वाह, वो एल्फ्स तो बहुत बढ़िया थी। हमें डेवांस के बारे में बहुत कुछ पता है। क्या वो बर्थडे पार्टीज पर भी ऐसे करती है? सांता को उन पर गर्व होगा। मुझे बहुत पसंद आया, खूबसूरत लग रहा है। तुम्हें कैसा लगा? बढ़िया है, पर मुझे अपना ज्यादा अच्छा लगा। बहुत ठंड है, मुझे कुछ करना होगा। हमें इसे ठीक करने के लिए कुछ तो करना होगा। लगता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं अभी आता हूँ। हे, कैसे हो? मैं ले जाऊँ? ऐसे लगेंगे। मैं जानता था तुम यही कहोगी। मेरे पास ज्यादा नहीं है, इतने काफी होंगे। ये लो। शुक्रिया। जरा रुको, ये कचरा है। देखते हैं मुझे क्या मिला। जानने का एक ही तरीका है। इस सामान को तो देखो। मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये क्या है? मैथ्यू मेरे ऊपर कचरा फेंक रहा है। एक क्रिसमस बॉबल। मैं इसका कुछ तो कर सकती हूँ। मैंने क्या कर लिया? एक मिनट रुको, ये हुई ना बात। मैं दीवार पर टेप लगा सकता हूँ, ये फायर प्लेस जैसा दिखेगा। अब इस पर क्रिसमस स्टॉकिंग्स टांग देंगे। सांता को नीचे आने के लिए चिमनी चाहिए होगी, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो। एक चीज मिसिंग है, क्रिसमस ट्री। मुझे ये बहुत पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा स्टेसी? बहुत सुंदर है मैथ्यू। इतनी सर्दियों के दिन में आग से बेहतर क्या होगा। और सांता के लिए मेरी स्टॉकिंग्स तैयार है। बढ़िया लग रहा है। इससे मुझे एक आइडिया आया, और मैं ये बॉबल इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। इंस्टेंट फायरप्लेस आ गई, और ये कमाल का लग रहा है। मैं इसके सामने बैठना चाहती हूँ, और मुझे बस हॉट कोको का एक मग चाहिए होगा। ये परफेक्ट है। ओह हाँ, मुझे यही तो चाहिए था। मेरा स्नो ग्लोब देखो। मेरा रूम बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो स्टेसी। अजीब है। हाय, ये क्या है? ओह, एक गिफ्ट। मुझे सरप्राइजेस पसंद है, बहुत मजा आएगा। वाओ, जरा इसे तो देखो। थैंक्स सांता, बाय। जल्दी मिलते हैं। मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर पहले मुझे ट्रीट मिलनी चाहिए। बढ़िया है, बहुत यमी है। ओह, चलो भी। मेरी लॉलीपॉप कहाँ है? शायद मेरे पास यहाँ कुछ है। कुछ खास तो नहीं है, मैं खा नहीं सकता। खैर, शायद मैं सांता की फेवरेट हूँ। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। पहले पेपर प्लेट पर रेड स्वॉल बनाएंगे इस तरह। अब इसे कलर करेंगे। लाइंस के अंदर ही रहना है और खराब नहीं होना चाहिए। गैप छोड़ेंगे और एक और स्वॉल बनाएंगे। इसे पूरी प्लेट पर करेंगे, रेड और व्हाइट सेक्शंस छोड़ते हुए। वाह, प्लान के मुताबिक हो रहा है। नीचे एक वुडन रॉड लगा दिया है और इस पर प्लास्टिक बांध दिया है। इतनी बड़ी लॉलीपॉप, मुझे पेट चाहिए। ओह, मैं समझ गई। ऐसी दीवार पर चिपका दूंगा। एक ग्रीन वाली भी बनाई है, ये खाने के लिए तो बहुत बढ़िया लग रही है। मुझे क्रिएटिव होना होगा। अगर मैं ये बॉबल यहाँ लगाऊं तो। वाह, जितना सोचा था उससे भी अच्छा है, कमाल हो गया। देखो ये बॉक्स कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी कभी मैं खुद को भी हैरान कर देती हूँ। मैं इसे कहाँ रखूँ? ट्री के साथ में, ये जगह सही रहेगी। पर कुछ ठीक नहीं है। मैथ्यू का ट्री बहुत ही खाली खाली है। इस पर कुछ सजावट होनी चाहिए। मैं उसकी मदद करती हूँ, पर कैसे? आहा, मैं समझ गई। मुझे बस एक बॉबल चाहिए और थोड़ा क्रिसमस का जादू। वो जरा ये देखो, ये काम किया। अब काफी बेहतर लग रहा है। वो शुक्रिया स्टेसी, मुझे बहुत पसंद आया। अब ये अच्छा लग रहा है। विश्वास नहीं होता कि मैंने किया। कितना फर्क पता चल रहा है। हमने बहुत अच्छा काम किया। लगता है सांता बहुत खुश होंगे। सांता आप वापस आ गए। तुम तो सांता के एल्फ जैसे बिजी हो। तुम्हारा रूम बहुत क्रिसमसी लग रहा है। मिसेस क्लॉस को बहुत जलन होगी, क्योंकि उस ट्री के नीचे बहुत सारे प्रेजेंट्स होंगे। और तुमने क्या किया मैथ्यू? बहुत ही क्रिएटिव है। जब मैं चिमनी से आऊँ तो याद से आग बुझा देना। मुझे आर्ट बुक बहुत पसंद आया, और ये ट्री कमाल कर दिया।
मुझे तुम दोनों पर गर्व है, पर दोनों में से किसने बेहतर किया, केसी या मैथ्यू ने? अपना जवाब कमेंट्स में बताएं। हे भगवान, मैं इस पैसे से अपनी दीवारों पर बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ। वो सॉलिड गोल्ड बार्स, जरा देखो तो। भारी है, कोई बात नहीं, मैंने पकड़ लिया। तुमने मेरे गोल्ड बार्स देखे टीना? ये एकदम कमाल के है, मैं इनसे अपने रूम में कुछ कर सकता हूँ। चलो अब काम शुरू करें। उफ, ये तो गर्म है। जी हाँ, पिघल जाओ, ये अच्छे से हो रहा है। अब मैं भी थोड़ा गर्म हो गया, इतना काफी है। आप देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं गोल्ड में ग्लिटर डालूंगा, जबकि शाइन हो उतने कम है। इस डस्ट स्टिक से इसे मिला देंगे। ब्रश, तुम तैयार हो? क्योंकि अब ये तुम पर लगेगा। ओह हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, गोल्ड को तो देखो। हाँ, मेरे ब्रश पर ये अच्छे से लग गया है, अब मैं तैयार हूँ। चलो इसे रोल कर देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छे से लेयर करेंगे ताकि कोई जगह ना रह जाए। जितना सोचा था उससे बेहतर लग रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं पेंट्स ले जाती हूँ, अब यहाँ से निकल जाएंगे। ओप्स, तुम ये क्या कर रही हो? हाय, ऑफिसर सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। यही मुझे दो, मेरी नजरें तुम पर ही है। वो मैथ्यू, तुम्हारी दीवार तो बहुत अच्छी लग रही है, विश्वास नहीं होता। हटो टीना, तुम अपनी साइड पर ही रहो। वो ठीक कह रहा है, खैर मेरे पास पेंट तो है। हाँ, मैं पर्पल से शुरू करूँगी और बाकी काम ग्रेविटी का है। वाह, ये पेंट कितने आराम से गिर रहा है। पर अब अगली चीज की बारी है, मुझे अपने हाथ पर थोड़ा पेंट चाहिए। अब मेरे हाथ इस कलर से पूरे ढके गए हैं। दीवार पर मैं अपने हाथ के निशान बनाऊंगी। हाय फाइव मैथ्यू, मैं मजाक कर रही थी। ठीक है, देखते हैं तुमने अपनी दीवारों पर क्या क्या किया। वाह, तुम दोनों से ही मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, पर देखना तो होगा। अब चलो बेड्स पर चलते। ये देखो मैथ्यू, मुझे एक रेडियो मिला, कितनी अच्छी शेप में है। तो यहाँ पर क्या है? एक वुडन हैंड, पुरानी ट्री, थोड़ी कैंडल्स। अरे वाह, ये क्या है? वो ये क्या मजाक है, ये तो एक बोगी बोर्ड है। टीना देखो। क्या? ओह, ये तो कमाल का है, मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए। मैं ढूंढती रहूंगी, यहाँ कुछ तो होगा। इस बॉक्स में कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर देखो, नहीं डोनट तो बिल्कुल नहीं। रुको, वो हे भगवान, शायद हम इसे फुला सकते हैं। या ये फ्लोटी है या फिर पूल है। एक सेकंड रुको, लगता है मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले इसे हम बाइक पंप से फुलाएंगे। पंप करते रहो, मुश्किल है। हाँ, अब बाइक पैक को खोलना होगा। चलो आओ कैंडी, तुम जाओगे किडी पूल में सारी की सारी। चलो चलो, पूरा दिन नहीं है। ये क्या टीना, इसमें इतनी सारी कैंडी कैसे थी? एक सेकंड रुको टीना, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन लो। पहन लिया। जुर्माना, ओह काम किया, मैं सीधा कैंडी पूल में गिरा। मैं, अब ये मेरी बारी है, देखो। हे, तुम आ ही गई टीना। हाँ बिल्कुल, चलो सेलिब्रेट करें। मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए, चलो उन्हें स्कूल भेजें। ये काफी बढ़िया स्कूल लग रहा है, मुझे लगता है ये मजेदार होगा। ओह, कितना ऑस्पिशियस रूम नंबर है। तुम्हारे बात लिजी, लगता है हमें ये कमरा मिला है। हे भगवान, इतना गंद, इस जगह को तो देखो, यहाँ कितनी गंदगी है। रखो, ये उससे भी ज्यादा है, हमें इसे ठीक करना होगा। नहीं नहीं नहीं, वो हमें ऐसा कमरा तो नहीं दे सकते। ये ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इसके साथ ठीक है, क्योंकि वो बहुत गरीब है। देखो यहाँ ब्रूम है, मुझे लगता है हम इस जगह की सफाई कर सकते हैं। वैसे मकड़ी के जालों से निपटना बहुत आसान है, यहाँ पर बहुत सारा कचरा और क्लटर भी है, ये सब उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे दीवार से ये न्यूज़पेपर्स हटा देने चाहिए। हो गया, और अब ये जाएगा गार्बेज कैन में। ये हर जगह रस्सी क्यों है? ठीक है, अब बेड बनाने का समय है। इसी को मैं कोजी बोलता हूँ। लिजी, यहाँ पर काफी जगह है, अगर तुम शेयर करना चाहो। नहीं शुक्रिया, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जगह खुद साफ करूँगी? हेलो, हाँ मुझे आपकी यहाँ जरूरत है। हेलो मिस, मैं ही वो क्लीनिंग सर्विस हूँ जिनको आपने फोन किया था। एक सेकंड रुको, ये लियाम जैसा लग रहा है। जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम ये पूरा एरिया साफ कर दो। मैं ये कर सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मुझे अपील नहीं मिली, पर चलो जब तक वो काम कर रहा है उसे करने दो। लगता है इस कचरे को इकट्ठा करना होगा।
एक्सक्यूज मी मिस, पर मैंने सारी सफाई कर ली है। ओह हाँ, पैसे। मुझे समझ नहीं आता कि सबको ये क्यों चाहिए होते हैं, पर ये लो मेरी जगह साफ करने के लिए। ओह, तुम्हें और चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे एक और कॉल करनी है। हाँ, इसे वहाँ पर लगा दो प्लीज। परफेक्ट, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था। अब जाओ भी। ओह, तुमने अपनी जगह सही कर ली, ये बढ़िया लग रहा है। मैंने पहले से ही पेंट पर इतने पैसे खर्च कर दिए हैं। हाँ, डिलीवर कर दो प्लीज। है, आपने शेल्विंग यूनिट मंगवाई थी? थैंक्स, मुझे तुम्हारी यूनिफॉर्म पसंद आई। हाँ, ये मेरे काम आएगी। योई, हो मेरे कपड़े, भागो। बस ये बकल बंद करना है और हो गया। अब मैं तैयार हूँ, इसे मैं टेढ़ा करके रख देता हूँ इस तरह। परफेक्ट, और शेल्व्स ले आता हूँ। ओह है, कैसे हो बड़ी, ये यहाँ ले आओ, ये रही मैट्रेस। है, तुम तो वही लड़के हो ना? नहीं 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 नहीं, तुम दोबारा मेरे कपड़े ले लोगे। ओह, मेरी मैट्रेस, ठीक है, इसे शेल्फ पर रखकर अब हम इसका बेड बना लेंगे। इस बेड की सबसे अच्छी बात है कि हम इसके नीचे इतना सामान भी रख सकते हैं। ओह, कितना बढ़िया स्पार्कली पिलो है, पूरा बेड ही। तुम वहाँ क्या कर रही हो टीना? मुझे अपनी तरफ भी शुरू करना होगा। अरे नहीं, मैट्रेस, ये मेरा है, मैंने इसे पहले देखा। छोड़ दो, ये मुझे दो। ठीक है फ्रेड, तुम्हारा दिन अच्छा हो। मैं अपने रूम में वापस आ गई, मैंने इसे ऐसे ही छोड़ा था। सामान साथ रखना शुरू करती हूँ, मुझे इन बॉक्सेस को इस तरह साथ में रखना होगा। ये देखो, इन बॉक्सेस से बेस बन गया जो कि फ्री थे। अब मैट्रेस की बारी, इससे ही ढक जाएगा। मेरे पास रेड ब्लैंकेट भी है। सिर्फ ये ही नहीं, कॉन्ट्रास्ट के लिए ये कलरफुल पिलोज भी रखेंगे। वाह, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, अब लग रहे हैं ना ये रूम। ओह, लगता है मैथ्यू अभी ही सो गया, मैं ठीक करती हूँ। मैं उठ गया, उठ गया। टीना, मुझे तुम्हारी ये कलर स्कीम बहुत अच्छी लगी। हाँ, अरे यार, तुम्हारे बेड पे तो एक आदमी है। हे, यहाँ सब अच्छा है, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ओह हाँ, चलो पार्टी शुरू करें। ये कारपेट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, चेयर होती तो बेहतर था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बहुत गुस्सा आ रहा है, रुको, ये पकड़ो। हे, मुझे पहले तो बता देती, माफ करना। जरा रुको, मैं यही इंतजार करता हूँ। ओह, ट्रिकी, इसका मतलब क्या हुआ? अब क्या हो रहा है? ये पिलो बहुत सॉफ्ट है, ये कहाँ से आया? हाँ? हे भगवान, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हमें एक नीडल और थ्रेड चाहिए, अब इन्हें साथ में अटैच करेंगे। बस इन्हें साथ में स्टिच ही तो करना है, तुम इन्हें इस तरह क्रॉस भी कर सकते हो। मैंने ये काफी ज्यादा लिए, कूल है ना? वो, तुमने ये सब फिलोस से बनाया? हाँ, अब हम इस पर आराम से बैठ सकते हैं, कितना बेहतर है ना? शुक्रिया। इसे खोलते कैसे हैं? चलो अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हें कार्ड्स को इस तरह घुमाने में मजा नहीं आता? अब हम टेबल्स बनाएंगे और तुम इस कार्ड में से कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। ओह, ये प्लास्टिक बॉटल्स मेरे काम आएंगी। लो, ये कार्ड लगाओ प्लीज। ठीक है, ये टेबल अच्छा दिख रहा है, मैं इसे बेड के साथ लगा देता हूँ। सोते हुए साथ में टेबल होना जरूरी है। मैथ्यू, इस कार्ड में से कुछ मिस मत करना। रुको, क्यों? पर ये तो टायर है, मुझे वो नहीं चाहिए। माफ करना, पर रूल्स में यही है, तुम्हें टायर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, ये तो किसी ने नहीं कहा कि ये टायर जैसा ही दिखना चाहिए। इस कपड़े से सब बदल जाएगा, ये देखो, अब कोई कह नहीं सकता कि ये टायर था, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, हमें इसे उल्टा करना होगा। ये गोल्डन टेबल लेग्स बहुत अच्छे से काम आएंगे। इस पार्ट के लिए हमें पावर टूल्स और स्क्रूज चाहिए, पर चैलेंज होकर रहेगा। स्क्रूज आराम से लग चुके हैं। जी हाँ, अब इसे दोबारा सीधा कर देंगे, अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये टायर हुआ करता था। अच्छा है मैथ्यू, पर मेरा ध्यान मत भटकाना। ये देखो, ये बस आखिरी थी, अब इस पर टेप लगाएंगे बॉटल्स के आसपास इस तरह। बॉटल्स अपनी जगह टिकी रहेंगी। दूसरी तरफ एक और पीस और ये सिक्योर हो गया। अब बॉटल्स पर हम ये टेबल टॉप लगा देंगे, ये ऊपर नहीं रहेगा क्योंकि मैं इसे उल्टा कर दूंगी।
अब ये रहा एक और टॉपर और बिल्कुल एक और टेप। अब ये अच्छे से टिक चुका है, एकदम सॉलिड है। अगले पार्ट में टेप ही काम नहीं करेगी। मुझे ग्लू चाहिए, पर क्लियर वाली नहीं, हमें कलर्ड ग्लू चाहिए, जैसे ये रेड है। ओ, देखो ये हार्ट कितना प्यारा है। ये ग्लू की तरह ही काम करेगा। अब इस फोम को हम इसके ऊपर रख देंगे और अब येलो फैब्रिक। अरे वाह, देखो कितना बढ़िया बना है। हाँ, अब ये दोनों टेबल्स देखते हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। स्टेसी या मैथ्यू, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।